चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगें पूरी करो। क्या चाहते हैं? पूरी करो। हम डिस्ट्रिक्ट पहुंच गांव साथरा ब्लॉक साथरा के रहने वाले हैं और गांव साथरा के पंचायत नंबर पंचायत अलका साथरा वार्ड नंबर 9 में ये जो एक रोड खोखा मोड़ टू मल्ला जबड़ी 2014 में निकली थी और 2014 में इसकी अर्थ कटिंग का हो गई थी। उसके बाद पिछले साल 2 साल हो चुके हैं हमारे ये ब्रिज का जो पावे हैं ये बने और 2 साल हो गए। हम बार बार जनाब डीसी साहब के पास भी गए, हमारे पास एप्लीकेशन है ऐसे ही मार कोई भी मौजूद हैं और जनाब डीसी साहब साथरा में पार टेक्निकल कॉलेज में आए थे और वहाँ हम उनके पास पेश हुए तो जनाब डीसी साहब ने एक्सियन साहब को बुलाया और कहा सब काम को छोड़कर ये जो स्लैब डालना है ये फौरी तौर डालो। तो एक्सियन साहब ने कहा जेई साहब को और जेई साहब ने बोला कि आपका स्लैब कभी नहीं पड़ सकता और हमारे इस साइड में जिस साइड में रोड आ रही है इस साइड में कोई स्कूल नहीं है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं नाला बारिश होती है और नाला बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम रात के 11 बजे तक बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। उसके बाद ट्रालियाँ चलती हैं, ज़मीन भी हमारी नुकसान हो गई और इस टाइम तक हमें कोई फ़ायदा उस रोड का नहीं। जैसे 1947 के लोग थे ऐसे ही हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो जी ये है कि हमें इसे जो है जो ब्रिज है इस पर स्लैब डाला जाए और हमारी रोड को बनाया जाए। करते हैं कि हमारी हम गरीब आदमी हैं, हमारी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करें और हमारा ये काम करें। सर दिक्कत हमें इस सड़क रोड की है, बस 2013-14 में इसकी अर्थ कटिंग हुई थी, 3 किलोमीटर रोड की अर्थ कटिंग हुई थी। फिर 2014 में जो वो स्लाइड आई उसने ये कट्ठा वगैरह ये पसियाँ पड़ गई। उसके बाद किसी ने मुड़कर महकमा PWD ने इस तरफ देखा भी नहीं है। उस एक यहाँ दंगा बनाया था मैंने 2015 में, उसका पैसा भी अभी तक नहीं मिला। उसके बाद 3 बार टेंडर हो चुके हैं इस पुल के स्लैब के, अभी तक कोई ठेकेदार नहीं आया। ठेकेदार साहब के पास जाते हैं, ठेकेदार को हम फ़ोन करते हैं, वो कहता है जी जेई साहब बोलेंगे मैं काम लगाऊंगा। जेई साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। जेई साहब यहाँ शहजाद डार साहब हैं, वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। तो हमारी यही मांग है कि हमारी रोड लगनी चाहिए, बस इस पुल पे पुली पे स्लैब पड़ जाए। कौन सी बड़ी पुली है सर, 6 मीटर पुली है खाली, अगर हम चंदा करके भी डालें डाल सकते हैं इसको। तो बस यही बात है। सर मोहम्मद तुफैल है। सर हमें दिक्कत ये आ रही है कि जब इलेक्शन नज़दीक हुआ तो चौधरी मकसूद हमारे घर आया। चौधरी मकसूद ने आकर हमें बोला कि हमें आप इलेक्शन हमें आप वोट दे दो, तो अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो हम आपको रोड देंगे, आपका जो पुल का मसला है हम पुल का हल निकालेंगे और आपको हम रोड देंगे। हमने बोला इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे, हमारा बच्चा बच्चा जो भी है जिसका भी वोटर कार्ड है हम आपको वोट देंगे। हमने तमाम आवाम ने मिलकर हमने उनको वोट दिया। जब वो जीत गए, जब उनकी नूह तज़ीम अख्तर DDC चेयरमैन बन गई, तो उस वक्त से लेकर आज वक्त इस वक्त तक ना रोड का उन्होंने हल निकाला, ना ब्रिज का हल निकाला, ना आज तक उन्होंने हमारे को अपनी शक्ल दिखाई। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, हम अपील करते हैं इंतज़ामिया से कि डिपार्टमेंट से PWD डिपार्टमेंट से हम अपील करते हैं, गवर्नर से हम अपील करते हैं, नरेंद्र मोदी से हम अपील करते हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर से हम अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम अपील करते हैं कि हमारी इस रोड का हल निकलना चाहिए। क्योंकि जब नाला आता है तो हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे माल मवेशी परेशान होते हैं, हमें इस रोड का जल्दी से जल्दी हल निकलना चाहिए। पूरी आवाम से मिलकर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि 3 हफ्ते का हम अल्टीमेटम टाइम देते हैं, अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा